सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल गाइस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल गाइस में। तो आज हम बात करने वाले व्हाट इज जीपीयू टर्बो, यानी कि जीपीयू टर्बो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में तो ओनर हुआवे के फ़ोन में सुना ही होगा जीपीयू टर्बो के बारे में। सुन के ऐसा लगता है कि मोबाइल की स्पीड काफ़ी अच्छी, यानी बहुत तेज़ी से काम करेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ये जीपीयू टर्बो क्या है और कैसे काम करेगा। और अभी ओनर ने अपने हाल ही में अपना नया मोबाइल ओनर प्ले लॉन्च किया है, जिसमें जीपीयू टर्बो का सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये जीपीयू टर्बो है जो सॉफ्टवेयर बेस पे काम करता है। और उसको देखते हुए लगता है कि इस मोबाइल की परफॉर्मेंस में काफ़ी कमाल सा हो गया है। तो आइए हम आगे इसी के बारे में बात करते हैं। ये भी सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और दोस्तों, हमने आज से पहले इसे यूज़ नहीं किया, और अच्छी बात यह है कि जीपीयू टर्बो है जो कोई हार्डवेयर बेस्ड नहीं है और सॉफ्टवेयर बेस है, जिससे कि वह होनर के कुछ मोबाइल में शायद अपडेट के थ्रू आ भी सकता है, जैसे कि होनर 7X है, होनर 9 लाइट है। और दोस्तों, ओनर तो ये तक क्लेम करता है कि इसको जीपीयू टर्बो को यूज़ करने के बाद में आपके परफॉर्मेंस में 60% तक फ़र्क पड़ेगा, और जो एफिशिएंसी होगी वो भी 30% ज़्यादा होगी। जैसे कि दोस्तों, आप कभी कभार गेम खेलते हैं या गेम खेल रहे हो कोई भी, या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते थे आपको उस वीडियो में बहुत सारे फ्रेम दिखते हैं। हालांकि कभी कभार वो फ्रेम ड्रॉप भी हो जाते हैं, लेकिन प्लेयर का हाथ कभी चिपक जाता है। और दोस्तों, ये जो गेमिंग एक्सपीरियंस है हम नापते हैं मिल के एफिशियंस में, और जो आउटपुट मिल रहा है वो कितने फ्रेम्स के सेकेंड पर चल रहा है, या स्मूथ है या हेड है। और दोस्तों, जीपीयू टर्बो से आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा जब फ़र्क पड़ेगा, यानी कि जैसे आप कोई गेमर हो या गेम खेलते हैं, तो जैसे कि ओनर प्ले है, तो आप इसी नॉर्मल फ़ोन में गेम खेलते हैं और ओनर प्ले में गेम खेलते हैं, तो उसमें काफ़ी अंतर रहता है। उसके गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यानी कि बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है हमको। कभी कभार आपने देखा होगा किसी और फ़ोन में, आप दूसरे फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में गेम खेलते हैं, तो वो क्या है, गेम चलते चलते चिपक जाता है, कहीं उसका हाथ ऐसा हो जाता है या चिपक जाता है। तो ये वाला एक्सपीरियंस अब नहीं होगा हमें ओनर के प्ले में। जैसे कि हम ओनर प्ले देखते, उसी में ही हाल ही में जीपीयू टर्बो अभी लॉन्च किया है, तो ओनर प्ले में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जीपीयू टर्बो बहुत ही स्ट्रॉन्गली परफॉर्मेंस देगा हमको, और हमारे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। अब क्या, अब बात ये उठती है कि ओनर के दूसरे मोबाइल में भी जीपीयू टर्बो का सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा या नहीं, तो इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है तो शायद आ भी सकता है। और दोस्तों, जीपीयू टर्बो क्या है ये ओपनली तो कभी बताएगा नहीं ओनर, ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सीक्रेट है। इसमें कुछ ऐसा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऐसा इंटीग्रेट करके बनाया गया है कि यहाँ पे। और दोस्तों, फिलहाल ये जीपीयू टर्बो का सॉफ्टवेयर सिर्फ ओनर के प्ले में है, और शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ओनर के दूसरे फ़ोन में भी आ जाएगा। लेकिन अब ये दूसरे फ़ोन्स का रहा है, जैसे सैमसंग, एप्पल या मोटोरोला कोई भी है, तो उनमें ये अपडेट या ये चीज़ आएगी या नहीं। तो ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत ही मज़ा सा आ जाता है। तो दोस्तों, जीपीयू टर्बो का मतलब ये है कि मोबाइल के परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा होगा, और गेमिंग एक्सपीरियंस से हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी।